जैन दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग इस पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं भौतिकी फिजिक्स का पेपर। दोस्तों यही पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर के आप पूर्णांक होने वाला 50 अंकों का यह पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। और दोस्तों इस पेपर के आप समय होने वाला 3 घंटे का पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ नोट दिया है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दोस्तों आपको इस पेपर में से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, तो आपको क्या करना, 5 क्वेश्चन के आंसर याद कर लेना, जिससे दोस्तों आपको यहाँ पर 5 में यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 1 नंबर का आने वाला, 200 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 1 नंबर का आने वाला, 300 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 1 नंबर का आने वाला, यहाँ पर 4th क्वेश्चन आपके 1 नंबर आने वाला, वो 5 क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 1 नंबर का आने वाला, एक एक नंबर क्वेश्चन है, इसलिए आपका आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 200 क्वेश्चन दिया है, 200 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पर 3rd क्वेश्चन देख लिया, चुंबकीय बल रेखा क्या है, इसके बारे में आपको बताना। अब दोस्तों यहां पर देख लीजिए, आपके यहां पर 4th क्वेश्चन दिया है। दोस्तों यहां पर देख लीजिए, यहां पर दिया दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कम क्यों रखी जाती है, यह भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। अब दोस्तों 5th क्वेश्चन देख लीजिए, आप 5 क्वेश्चन यहां पर दिया है, यहां पर 6th क्वेश्चन यहां पर दिया है, विभव मापी वोल्टमीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है, यह आपको बताना है। आज दोस्तों यहाँ पर 7th क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 7th क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 8th क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, 9th क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 10th क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर 11th क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी दोस्तों आपकी परीक्षा में यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ 12th क्वेश्चन देख लीजिए, दोस्तों ये आपकी परीक्षा में दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्न को परिभाषित कीजिए, आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोहचुंबकीय पदार्थ व गुण बताना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया, 13th क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन के लिए शर्त ज्ञात कीजिए। अब जब 14th क्वेश्चन देख लिया, 14th क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा में 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। आपको क्या करना है, चारों को परिभाषित करना है, चारों की आपको परीक्षा में या परिभाषा लिखना है, या फिर दोस्तों आप इसके अर्थ वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हो। अब जब देख लीजिए, आपका यहाँ 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा में यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ देख लीजिए, इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा में 5 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों ये हमारा पेपर आसानी से कंप्लीट हो गया है। दोस्तों ये बहुत सरल पेपर है, इस पेपर को आप अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे दोस्तों आप परीक्षा में 50 में से 50 अंक लेकर आ जाए। और दोस्तों आपको इस पेपर का PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार के रियल पेपर मिल जाएंगे, इसलिए दोस्तों आप चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर दोस्तों सभी पेपर एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।